दिव्यांगों को आपने देखा होगा, बहुत सी जगह पे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो नहीं होते हैं। कुछ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ टाइम उनके बॉडी के पार्ट्स नहीं होते, सम डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज होती हैं। कुछ लोगों को नई जनरेशन जैसे मैंने देखा काफ़ी स्टंट करते हैं, ट्राई टू बी एक्टर लाइक इट, जबकि उन्हें नहीं पता कि एक्टर भी अपने साथ कोई सपोर्टिंग बंदे रखते हैं और हादसा हो जाता है, उनके बॉडी के पार्ट्स मिस हो जाते हैं, चले जाते हैं। सो एक तकनीक ही है, दैट इज कॉल्ड अ साइबॉग, दैट इज कॉल्ड अ साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। काफ़ी बूस्ट हो रहा है, और ये नहीं कहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में, ना कि पिछले कुछ महीनों में, जब भी कई सालों से, इवन आज भी इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ आर्टिकल आपको साइबॉग से मिल जाएंगे। साइबॉग, जिसको हम साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अभी टॉपिक क्या है, एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, इनमें से कौन कौन से पहलू हैं, इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और ख़ास तौर से हमारे जो दिव्यांग मित्र हैं, फ्रेंड्स, उनको लिए भी एक सल्यूशन है तो सर्वाइव एंड बी इंडिपेंडेंट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वन, तो एक अच्छा ऑप्शन है। और सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल, आई थिंक, आई होप पीपल हैव सीन लाइक अ मूवी स्पाइडरमैन 2, वहाँ आपने एक कैरेक्टर देखा होगा डॉक्टर ऑक्टोपस, नहीं देखा हो तो गूगल करना और देखना। वो कैरेक्टर एक तरह का साइबॉर्ग ही है। ओके, आप एग्जैक्टली साइबॉर्ग बोले या ना बोले, एक तरह का साइबॉर्ग ही है वो। यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस जो होता है उसकी बॉडी होती है, और अपने स्पाइनल कार्ड से न्यूरॉन होता है, स्पाइनल कार्ड भी ह्यूमन की बॉडी का मेन नर्वस सिस्टम होता है। अगर हम मेन नर्वस सिस्टम ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं, सीएनएस जैसे बोलते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं, द वन इज़ अ ब्रेन एंड सेकेंड इज अ स्पाइनल कार्ड, बैक साइड वाला। स्पाइनल कार्ड भी एक न्यूरॉन है, द मेन नर्वस सिस्टम। वहाँ से वो क्या करता है, उस मूवीज़ में आपने देखा होगा, वहाँ का जो डायरेक्टर होता है उस विलेन के स्पाइनल कार्ड से कुछ मशीन्स को जोड़ देता है, और वो स्पाइनल कार्ड एक न्यूरॉन होता है तो वो उस मशीन्स को पूरा ऑपरेट करता है। तो बड़ा फनी सा था, अगर यू हैव विल सी दैट मूवीज या आपने देखा होगा तो यू लिटरली एन्जॉय इट। सो दिस इज समहाउ इज साइबरनेटिक्स, दिस इज समहाउ इज अ साइबॉग। सो आइए दोस्त, इस लेक्चर में ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर मैं आपके साथ हमेशा जुड़ता रहता हूँ। सो आपका प्यार मुझे मिलता है, और मैं देख रहा हूँ आप मुझे बहुत सारे मैसेज करना प्रारंभ कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर रविगिरी आप सबका अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई हैव डन माई PhD इन IIT दिल्ली, एज रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूशन एज फॉर फेस टू फेस क्लासेज इन गोरखपुर, एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल एज गोरखपुर। मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट पढ़ाता हूँ और बहुत कुछ सीखता भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, उसे बहुत कुछ सीखता हूँ। माई PhD इन IIT दिल्ली, लेटर ऑन आई वर्क विद सम DST एसोसिएशन इन IIT लैब इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। टीचिंग एक्सपीरियंस लास्ट 18 ईयर्स प्लस, 1000 प्लस सेलेक्शंस इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, रिटन सम बुक्स ऑन साइंस एंड एनवायरमेंट, दोज आर अवेलेबल इन मैक्राहिल पब्लिकेशंस, पब्लिश बाई मैक्राहिल पब्लिकेशंस, और आप हाईली सेलिंग बुक ऑफ साइंस एंड टेक फॉर UPSC सेगमेंट सिविल सर्विसेज, तो ये बुक आप ले लेना। टुडे दिस इज़ अ फिफ्थ एडिशन बुक जो हर साल मैं अपडेट करता हूँ, एंड साइंस एंड टेक की द न्यू एडिशन बुक इज़ कमिंग इन जनवरी लास्ट वीक। ओके, जनवरी लास्ट वीक। ओके, तो वो आप उस समय ले लेना, तब तक आई लेट स्टार्ट द इन्वायरमेंट पार्ट हेयर। ये टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोज ऑल द डिस्कशन आई एम डूइंग, दैट इंटायर PDF इज देयर, इवन वीडियोज भी यहाँ शेयर हो जाते हैं। और अन अकेडमी प्रोफाइल है जहाँ पे मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं, और लाइव क्लासेस मैं यहीं पर लेता हूँ। पीपल कैन कनेक्ट विथ मी रिगार्डिंग माई और द इंटायर क्लासेस, और ये मेरा UPSC कोड है, पास कोड है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 10% रिबेट मिल जाता है। ये एक एनुअल प्राइस हाइक है जो 27 दिसंबर से हाइक हो रहा है, और 3000 रुपीज़ प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे और प्लस ईयर सब्सक्रिप्शन पे 2000 रुपीज़ हाइक हो रहा है। अगर आप 1 ईयर और एबव का कोर्सेज लेते हैं तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा 3 मंथ एक्सटेंशन ऑफ योर कोर्स, यानी आप मुझे और दिनों के लिए देख सकते हैं। ये मेरा पास कोड है फॉर द एक्स्ट्रा 10% रिबेट। सो रवि UPSC, यूज इट एंड टेक योर बेनिफिट। सो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज़ वेरी हेल्पिंग फॉर द एवरीवन गाइस। किस तरह के लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू हाउ इट इज़ बेनिफिशियल। साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, सो साइबॉग का पूरा फुल फॉर्म है,
पूरी तरह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिज़म्स होता है वो सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज़म्स की तरह से काम करता है। और आपको बताऊँ तो जो नेचुरल कैरेक्टर्स होता है यानी ह्यूमन बींग, वो कुछ आर्टिफिशियल कंपोनेंट्स की मदद से अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जीता है। जैसे स्पाइडरमैन 2 में गया था तो वो तो उसको मिसयूज़ करने के लिए उसको जीता है, उसे यूज़ करता है। बट स्पेशली द पीपल आर दिव्यांग या यू नो वेरी वेल इन दैट केसेस इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम। अब बात ये होती है कि साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म जिसे हम साइबॉर्ग कहते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आधा कब है? ठीक है, तो ये 1960 में एक साइंटिस्ट होता है, नाम है मैनफर्ड क्लाइंस और नथन एस क्लीन। ओके, इन जो दो बंदे हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, दैट पीपल अंडरस्टूड अबाउट द साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसे आप मैन मशीन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मैन मीज नेचुरल एंड द मशीन मीज आर्टिफिशियल, और दोनों को जोड़कर एक काम कराया जाता है। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे दिया, आप उसे लिटरली यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली द साइबॉर्ग इज, अगर आपने स्पाइडरमैन 2 देखा है तो। या कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्क्रीन पे जस्ट टू मेक अ कंसेप्ट मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरी वन। देयर इज अ लेडी नॉट हैव एन हैंड बट स्टिल थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स शी इज गोइंग टू रेगुलेट देयर ओन हैंड इन दिस पिक्चर। Second side, this man have any defect suppose in the brain work, so here this machine even help us to this man to do the many activities. एक बंदा है जिसका नाम है नील हवसन, इनके बारे में थोड़ा डिटेल नहीं बताऊँगा। ये बचपन से ही जो है वो सीवियर कलर ब्लाइंडनेस है और this man cannot see the differences of color very easily. Okay, but still through the help of cybernetic organism, these all the people even get a better life. Or these all the problems are not nothing, it's just a gentleman. सो अब यहाँ पे बात करते हैं कि साइबॉर्ग में हम क्या करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि हम ह्यूमन को कंप्यूटर के साथ जोड़ देंगे, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूँ तो मैं आपसे कुछ कहता हूँ तो आप सुनते हो, अगर मैं आप चिप दे दूँ तो, है ना, और उस चिप से हम दोनों अलग हो जाए तो सर कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग एल्स आप अपनी बातों को उसको कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर पर क्या होता है, चिप होता है, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का सारा प्रोसेस वैसे शुरू कर देते हैं, सब कुछ हमारे हैंड में होता है। अगर ऐसे ही कुछ मैं आपको दे दूँ कि एक चिप के थ्रू मैं और दोनों, है ना, आप बंद मत कितने इंटरेस्टिंग होगा ना कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं अपना माउथ क्लोज कर रहा हूँ, आप भी अपने माउथ क्लोज कर रखे हो, है ना, और हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ आने वाली है दोस्त थ्रू द हेल्प ऑफ साइबॉर्ग। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आप लिटरली एंजॉय करने वाले हो। ओके, अब ये मत कहना कि सर तो ऑल ऑल सी हो जाएगा। ओके, इवन इट विल मेक अ वी पीपल मोर एंड मोर लेजी। अब वो लेजी वेजी आप दिखाई करो, मैं आपको साइबॉर्ग बता रहा हूँ, दैट टू मेक अ मोर वंडरफुल एग्जाम्पल्स टू क्रिएट द टर्म्स इवन टेक्नोलॉजी इज मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जनरली जो लोगों के साथ डेफिसिट है, जैसे मान लो कोई पैरालिसिस है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो साइबॉर्ग वंडरफुल ऑप्शन। बताओ कोई बंदा बेड पे बैठा हुआ है बट स्टिल दिस मैन कैन कनेक्ट टू यू, आप उसके बारे में सोचो ना, वाई थिंकिंग लाइक दिस कि यार मैं चुप हूँ वो चुप है, हम दोनों बात कर रहे हैं ना, वो इशारों में, है ना, एक गाना आता था पहले तो एग्जैक्टली लाइक इशारों में, तो शांति सो वी कैन कन्वे आवर मैसेज एंड एवरीथिंग इज हियर, मतलब इट्स रियली वेरी नाइस। सो जो कितना एक्साइटमेंट होगा। And here, you know, guys, even something more guys, like human have a very limited memory, आप जानते हो, लेकिन still through the help of some chips, external chips, इस तरह की चीज़ों से उसकी memory, उसके performance को भी काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। Okay, so this is everything in the brief about the cyborg, okay, about it, you should know guys. अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर आपको चलते हैं, और एक एग्जाम्पल आपको था, दो एग्जाम्पल आई डिस्कस विथ यू, एक तो नील हवसन वाला जो मैंने अभी उसकी पिक्चर्स दिखाई थी, और एक मैं आपको प्रोफेसर केविन वारविक के बारे में बताऊँगा। केविन वारविक की एक फोटोग्राफ भी है जो अगली स्लाइड में है, और आपको हो तो मैं पहले ही दिखा देता हूँ। ये देखो इस केविन वारविक को, ये उसका एक हैंड है जो ऑपरेट कर रहा है वो बंदा, है ना, और ये मशीन जो हैंड जो आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एग्जैक्टली यू नो समथिंग लाइक दिस, वो पूरी की पूरी तरह से मिरर इमेज टाइप, मिरर तो नहीं एक्चुअली लेकिन वो फिंगर है। वॉट एवर दिस मैन इज डूइंग ना, दिस मशीन मेड हैंड जो भी है वो पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा अबाउट द प्रोजेक्ट साइबॉर्ग 1.0। सो एक एग्जांपल के थ्रू आई लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट हाउ द साइबॉर्ग इज वर्किंग। सो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है इस केविन वारविक में, कि केविन वारविक के पास एक्चुअल में, है ना, ऑपरेशन कर सर्जरी करके वो अपनी बॉडी के अंदर सिलिकॉन चिप ट्रांसपॉन्डर्स लगवाता है। ओके, जिसका फोर आर्म होता है, ना, जो आगे वाला जो हाथ है उस वाले हिस्से में वो क्या करता है, फोर आर्म, है ना, आपने खुद देखा उस एरियाज में वो सिलिकॉन चिप ट्रांसपॉन्डर लगाता है। ओके, सर्जरी करके, और ऐसा कहते हैं कि 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स एरे उसके अंदर लगाए जाते हैं सर्जरी करके, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स एरे होते हैं। ओके, एरे का मतलब होता है कि बहुत सारों को एक साथ मिलाकर लगाना, तो आप देखो ना करीब 100 इलेक्ट्रोड्स के आसपास डिवाइसेस होती हैं जो उसके हैंड में लगाई जाती हैं।
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड रस जो सर्जरी सर्जरी करके लगाया जाता है, वो कहीं ना कहीं उसके मीडियम नर्व जो फाइबर्स होते हैं, ओके, मीडियम नर्व फाइबर्स होते हैं, है ना, नर्व से तो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीडियम नर्व्स नहीं आता तो उसके न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, वो इफेक्ट इफेक्ट डालते हैं, यानी कह लो कि वो जो न्यूरॉन होता है उस न्यूरॉन की मदद से वो सिलिकॉन चिप को मैसेज मिलता है, और अब वो सिलिकॉन चिप की मदद से जो उसके अंदर डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, अब वो बंदा अपने न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ पर इस मशीन को, है ना, इस हैंड को वो ऑपरेट कर सकता है। ओके, और सब कुछ उसके लेफ्ट आर्म में होता है, प्रोफेसर केबी में, जो मैंने अभी आपको फिगर में बताया था, और ये फैक्चुअल डेटा है गाइस, टू द हेल्प ऑफ फैक्चुअल डेटा आई लाइक टू सपोर्ट यू कि हाउ द साइबॉर्ग इज एंड व्हाट इज द साइबॉर्ग इज। ओके, अब यहाँ पर पूरी तरह से जब हम इम्प्लांट करते हैं तो जो वार्विक का नर्वस सिस्टम होता है वह पूरी तरह से उसको इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है। तो वार्विक का नर्वस सिस्टम जो होता है उसको इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और फिर वहाँ पे देखो इंटरनेट से अगर आप बताओ, अगर पूरी तरह से आप मुझे बताओ कि किसी बंदे के हैंड को अगर इंटरनेट से जोड़ दिया तो इंटरनेट से हम उस हैंड को ऑपरेट मतलब यूज़ कर सकते हैं, ओके, ब्रॉडबैंड कनेक्शन की मदद से। और ये काफ़ी हद तक बताऊँ तो एक तरह से एक रोबोटिक आर्म हो सकता है, इस तरह से एक रोबोटिक आर्म्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग से किया गया है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टडीज़ वगैरह भी है, वहाँ पे काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश होते हैं, तो वहाँ से पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है ना। बड़ा काबिले तारीफ कि उस बंदे के हाथ को बनाकर उस बंदे के न्यूरॉन्स को किसी इंटरनेट से रोबोटिक आर्म्स की मदद से रेगुलेट किया गया। आपको पता है एक सर्जरी डिवाइस है जिसका नाम है, मैं रोबोट्स में बताता हूँ आपको जब मैं क्लासेस लेता हूँ, द विंसी सर्जिकल सिस्टम, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, है ना, द विंसी सर्जिकल सिस्टम, द विंसी सर्जिकल सिस्टम। पता है जब आपके पेपर में रोबोट्स वगैरह व्हेन दे आर कमिंग इन द मेंस पेपर, आपके सिलेबस में भी है रोबोट्स, तो वहाँ पर मैं एक बताता हूँ रोबोटिक सर्जरी डिवाइस के बारे में। काफ़ी हद तक ये रोबोटिक सर्जरी डिवाइस वैसा ही है जैसे कि आपको मैं प्रोफेसर केविन कार्वी के केस में बता रहा हूँ। द विंसी सर्जिकल सिस्टम क्या होता है कि एक सर्जरी डिवाइस होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस सर्जिकल सिस्टम माना जाता है, रोबोटिक है पूरा तरह, या कह लो इट इज़ अ रोबोटिक सर्जरी डिवाइस, उसको मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ रोबोटिक सर्जरी डिवाइस। ओके, ध्यान दे रहा, इट इज़ अ रोबोटिक सर्जरी डिवाइस। दिस रोबोटिक सर्जरी डिवाइस जो आप देख रहे हैं, दैट आई एम टेलिंग यू एज लाइक अ द विंसी सर्जिकल सिस्टम, इसको आप क्या कर सकते हो, द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर इज इमटेरियल इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। ओके, कहने का सीधा मतलब है कि डॉक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड इन फ्रंट ऑफ पेशेंट राइट नाउ। और कितना इंटरेस्टिंग है ना, यूएस का डॉक्टर इंडिया में ऑपरेशन कर सकता है, और ऑपरेशन एक्चुअल में जो डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं, इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट जो है वो एक रोबोट कर रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के रोबोटिक्स आर्म वगैरह को हम ब्रॉडबैंड से भी जोड़ सकते हैं, और ब्रॉडबैंड करके अगर हम जोड़ सकते हैं तो दोस्त कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंटरनेट से वार्विक के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग से कमांड दिया जा रहा है। मतलब क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज हो रहा है। और पता है इस तरह की सर्जरी के लिए एक शब्द आता है, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं दोस्त टेली सर्जरी। ठीक है, किसी वीडियो में बात करेंगे आपके साथ टेलीमेडिसिन क्या होता है, उसके डिफरेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, उसमें टेली कार्डियोलॉजी आती है, टेली रेडियोलॉजी आती है, टेली सर्जरी आती है, तो इस पर हम लोग किसी दिन बात करेंगे। ओके, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है साइंस टेक में, बहुत चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, और यूपीएससी की डिमांड जो है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, और मेरे इंटायर वीडियोज आर कनेक्टिंग विद द करंट अफेयर्स, तो ये दोस्तों को बोलते रहना कि वो जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि साइंस टेक एनवायरमेंट ये चीज़ें बहुत मिसिंग है। ठीक है, देख चुके हैं आप इनके बारे में, मैंने पीछे वाले दिखा दिया था, इस शख्स के बारे में बताता हूँ, कमाल की चीज़ है दोस्त, कमाल की चीज़ है। ठीक है, देखो ये होता क्या है, नील हार्बिसन के केस में, नील हार्बिसन जो होता है उसे एक बीमारी होती है बचपन से, एक्रोमेटोप्सिया। ओके, व्हाट इज डिजीज ही सफर्ड, एक्रोमेटोप्सिया, एक्रोमेटोप्सिया या ये कह लो कि एक्सट्रीम कलर ब्लाइंडनेस का केस होता है, उसे कलर को आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, वो परम लेकिन ये बंदा क्या होता है कि जब भी एक आर्टिस्ट होता है और ये जब बार्न होता है तो पैदा होती है इसको, ही वाज सफरिंग विद एक्रोमेटोप्सिया, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अच्छा, लेकिन बट स्टिल यू नो थ्रू द हेल्प ऑफ सिबॉर्ग टेक्नोलॉजी दिस मैन कैन फाइंड आउट ऑल द कलर्स। पता जो कलर ब्लाइंडनेस वाला इशू होता है वो हमारी आईज में जो इमेज बनता है ना वो रेटिना में बनता है। ठीक है, रेटिना में एक सेल होता है, एक्चुअल में कोन सेल होता है ना, उसी कोन सेल में डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है। वैसे तो रेटिना में टू टाइप्स ऑफ मेन सेल्स पाए जाते हैं, द वन इज अ रॉड सेल, आरओडी रॉड सेल, एंड सेकेंड इज अ कोन सेल। ओके, ये कोन सेल की वजह से ही ना जो डिफेक्ट होता है, द कलर आइडेंटिफिकेशन बिकम वेरी डिफिकल्ट। अब मान लो इफ पर्सन इज बाई बर्थ हैव अ सम प्रॉब्लम लाइक एक्रोमेटोप्सिया, उसे कोन सेल में कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो आपको पता है जो इमेज बनता है वो एक्चुअल में रेटिना में बनता है। ठीक है, और वो रेटिना से होकर ऑप्टिक नर्व की मदद से, है ना, ध्यान देना, ऑप्टिक नर्व की मदद से एक नर्व होता है जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है।
ठीक है, तो यानी कहानी कहाँ से शुरू होती है? आपकी आईज में इमेज बना, आपकी आईज में इमेज बना, आईज में कहाँ? रेटिना में। रेटिना में आपको प्रॉब्लम है कॉन्सेल में, कलर डिटेक्शन इवन डिफिकल्ट होता है। वो इन्फॉर्मेशन सीधा ऑप्टिक नर्व में जाता है और ऑप्टिक नर्व से सीधा ब्रेन के पास जाता है। अगर मैं बीच में ये आई वाले पार्ट की जगह एक एंटीना लगा दूँ, ये देखो इसकी इसकी आँख के सामने एंटीना लगा दूँ, और ये एंटीना डिफरेंट तरह के जो कलर्स आते हैं उसका सेंसर हो जाए, और उसको लेकर पीछे ले जाकर मैं ऑप्टिक नर्व से जोड़ कर उसके ब्रेन से जोड़ दूँ, तो आगे की आँख की जरूरत ही नहीं हो गई। आँख के जो कलर्स वाली प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ द कौन सेल डैम इफेक्ट, वो सीधा अब उसके उसके ब्रेन स्कल से लेकर, आप देखो ना, एक एंटीना होता है जो इनसाइड उसके ब्रेन में स्कल से जोड़ दिया जाता है, और उसकी मदद से वो ऑप्टिक नर्व से जुड़कर ब्रेन के पास मैसेज चला जाता है। और ये एंटीना जो होता है डिफरेंट तरह के कलर्स के रिसीवर्स होते हैं। यानी कहने का सीधा मतलब है दिस गाय कैन नॉट सी द कलर्स बट बिकॉज ऑफ दिस एंटीना, और ये एंटीना पीछे एक मशीन है जो आप पीछे पूरी तरह से न्यूरॉन से जोड़ते हैं। ये देखो कमाल की चीज़ है, और किस तरीके से दिस मैन गॉट इंडिपेंडेंट एंड इवन कैन वर्क आउट ऑल द कलर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और बता, ये पहली बार एक ऐसा साइबॉग है जिसको जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, और इसको एज अ साइबॉग, प्रॉपर साइबॉग डिस्क्राइब भी किया गया। आप नील हाविसन की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी मूवीज़ आप देख सकते हैं। आप गूगल पे जाके आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स नील हाविसन के मिल जाएंगे। ही इज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, तो काफ़ी हद तक वो पब्लिक के सामने भी आता है। इफ यू पीपल सी द एप्लीकेशन ऑफ साइबॉग, तो अनलिमिटेड है दोस्त, मैसिव यूजेस है। आप किसी भी डिसिप्लिन में देख सकते हैं, मेडिसिन के केस में देख सकते हैं, मिलिट्री में देख सकते हैं, आर्ट में देख सकते हैं, कम्युनिकेशन में देख सकते हैं, ह्यूमन डिफेक्ट्स में देख सकते हैं। अमेरिका से मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको सभाव इन दिस मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है कि मेडिकल फील्ड्स वगैरह में तो कमाल की चीज़ें आने वाली हैं, और वैसे भी आप देखो तो साइबॉग से क्या फ़ायदा होने वाला है। आप देखो तो आप लोग बायोनिक ईयर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मशीन वाला ईयर यूज़ कर रहे हो, मशीन वाले आईज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आईज़ हो गया बायोनिक, बायोनिक जो हो गया बायोनिक एक तरह से मशीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंसुलिन पंप टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स को हम लोग रहे यूज़ कर रहे हैं, तो आप खुद देखो तो कहीं ना कहीं साइबॉग का फ्यूचर है। क्योंकि अगर अ पर्सन हैव अ नीड ऑफ द बायोनिक ईयर्स, बायोनिक इस तरह की चीज़ों की जरूरत होती है, तो आप ये मशीन ही तो हैं, ये मशीन दे विल मेक योर लाइफ मोर बेटर एंड मोर इजी टू सर्वाइव। ओके, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। ये एक छोटा सा एक ब्रीफ है जो मैंने एक बताने की कोशिश की साइबॉग का फ्यूचर। अब मैं आपको बताता हूँ ये कमाल की चीज़ होती है, जानते हैं क्या, 2016 में एक पहला वर्ल्ड का साइबॉर्ग ओलंपिक होता है, द फर्स्ट साइबॉर्ग ओलंपिक होता है दुनिया का पहला, जो ज्यूरिश में होता है स्विट्जरलैंड में, और जिसका नाम हम रखते हैं फर्स्ट ओलंपिक ऑफ साइबॉर्ग का साइबरथलॉन। देखिए कहाँ सी चीज़ आज कहाँ पहुँच गई, साइबरथलॉन 2016 जो पहला ओलंपिक होता है दुनिया में होता है, वेर इट हेल्ड, इट इज़ इन ज्यूरिश, ज्यूरिश मीन्स स्विट्जरलैंड। ओके, और वर्ल्ड के काफ़ी खिलाड़ी आते हैं, पता है जो 16 टीम्स ऑफ पीपल जो होते हैं, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, जो एक्चुअली में डिसेबल होते हैं, और उनको साइबॉग टेक्नोलॉजी की मदद से उनको साइबॉग एथलीट्स बनाकर उनसे गेम कराया जाता है, और ये बहुत ही पॉपुलर होता है दोस्त, फर्स्ट साइबॉर्ग ओलंपिक्स, यू ऑल पीपल रिमेंबर। ओके, फर्स्ट साइबॉर्ग ओलंपिक, रिमेंबर। ये सारा का सारा कंटेंट्स वगैरह जो है ना, वो उसके लिए आप मेरी बुक फॉलो कीजिए, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है, और यूपीएससी के ऑल क्वेश्चंस आर स्टिल इवन मेंशन इन द बुक, पर इस समय आई एडवाइस यू कि यू विल टेक अ फिफ्थ एडिशन बुक, दैट इज अ न्यूली अपडेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक। ओके, अब यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, साइबॉर्ग का एक ऐसा एप्लीकेशन जो फ्यूचर में आपको देखेगा, पता है आपने इलॉन मस्क का नाम तो जरूर सुना होगा, आई एम वेरी श्योर आपने मेरा नाम सुना हो ना सुना हो, किसी और का नाम सुना हो ना सुना हो, पर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नाम तो सुना ही होगा, आप उनको भी बोल नहीं सकता कि आपने नहीं सुना, मतलब इलॉन मस्क का नाम तो जरूर सुना होगा। इलॉन मस्क जो स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर का सीईओ है, पता है यही बंदा है जो आपको ड्राइवरलेस कार भी देने वाला है जल्दी, किसी दिन बताऊंगा ड्राइवरलेस कार्स को ऑटोनोमस ड्राइविंग कहते हैं, वो क्या होता है, इन सम ऑफ द वीडियोस आई विल मेक इट। अच्छा, इन द कमेंट बॉक्स में ना आप टॉपिक लिख दिया करो कि सर ये वाला इज गुड, इसे थोड़ा करो, सर ये वाला इज गुड, थोड़ा ये करो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स आई विल टेक इट। और कोशिश करना जो रिसेंट करंट्स वगैरह में चल रहे हैं या द टॉपिक विच हैज मोर एंड मोर प्रॉब्लम फुल ऑफ यू, जिसमें आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर एवरीवन, ठीक है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाने की बात कर रहा है, जिसको हम कहते हैं न्यूरालिंक, है ना। मेरा भी बोल रहा था, मान लो समबडी इज सफरिंग विद अ पैरालिसिस, कोई कोमा में चला गया, तो उसका ब्रेन तो चल रहा है ना दोस्त, बस उसकी बॉडी उसके न्यूरॉन्स तरह के एक्टिव्स नहीं हो रहे हैं ना, वो बॉडी का मूवमेंट नहीं कर रहा, उससे बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन कितना अच्छा होगा ना, कोई कोई ब्रेन स्ट्रोक आ जाए या कुछ इस तरह की दिक्कतें आ जाएँ, तो पर्सन कैन कनेक्ट वेरी इजिली विद ओन फैमिली मेम्बर्स एंड कनेक्ट। तो ये एक चीज़ है जो इलॉन मस्क बनाने की बात कर रहा है, और यहाँ पर बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली, माइक्रॉन साइज की डिवाइसेज होंगी आपके ब्रेन में लगाकर उसको ब्रेन और मशीन के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो भी मैंने बोला अगर कोई ब्रेन इंजरीज हो रही है, लाइक स्ट्रोक हो गया या पैरालिसिस हो गया, इवन मेमोरी लॉस हो गया ना समय के साथ से एज में अगर होता है, तो दैट ऑल द डिवाइसेस विल हेल्प वेरी इजली गाइस।
और मैंने वो भी इंटरेस्टिंग बात क्या बोली थी, ये लोगों को जोड़ सकता है उनके ब्रेन्स में, ब्रेन से दूसरे ब्रेन को कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट विदाउट मतलब बोलने की जरूरत है, डायरेक्टली तो चिप वेब से डेटा ट्रांसफर हो जाता है। फाइन, मतलब कहाँ से काम जाने वाले, थ्रू द हेल्प ऑफ साइबॉर्ग, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ साइबॉर्ग, आई होप पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल। ये देखो एक कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एट लास्ट मैं आपको देना चाह रहा था, क्योंकि होता ना कि मी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ साइबॉर्ग, तो दो तो मैंने आपको दे दिया, और एक वाला दे दिया एंड द सेकेंड वन इज नील हार्बिसन वाला दे दिया, जिससे आप यू अंडरस्टूड इंटायर थिंग व्हाट एक्चुअली द साइबॉर्ग इज। अब देखो यहाँ पे ना एक टेल अवीव यूनिवर्सिटी इज़राइल में, वहाँ पे एक साइंटिस्ट है मत्ती मिंस्ट, जिन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल सेरिब्रम बनाया। पता है सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का सेकेंड पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसको वैसे एक्चुअल में हम लोग कहते हैं लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं ना, लिटिल ब्रेन है ना, छोटा दिमाग बोलते हैं, सो लिटिल ब्रेन बोलते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि ये ना ब्रेन को कुछ इलेक्ट्रोड्स की मदद से क्या करता है, एग्जैक्टली एक आर्टिफिशियल सेरिब्रम बनाने की कोशिश करता है, उससे ब्रेन को जोड़ने की कोशिश करता है, और एग्जैक्टली जो चिप वगैरह से मशीन को जोड़ता है वो कहीं ना कहीं सेरिब्रम की तरह बिहेव करते हैं, और मतलब जिससे पूरा का पूरा जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है। आपको पता है सेरिब्रम ही वो पार्ट होता है आपके ब्रेन का, जब कोई अल्कोहल लेता है या इस तरह की चीज़ें लेता है तो बॉडी पर द सेरिब्रम इज गोइंग टू इफेक्ट। ओके, अब तो सेरिब्रम का काम क्या होता है, इस सेरिब्रम जो होता है वो बॉडी का पॉस्चर मेंटेन करता है। ठीक है, तो कोई बंदा है मतलब शराबी है या कुछ ऐसा है, तो ऐसा क्या होता है कि उसकी उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं होता, सेरिब्रम डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं, और पार्ट ऑफ बायोबोल्ड ड्यूरल पॉलिस, तो बहुत सारे न्यूज़ हैं। तो सम ऑफ द न्यूज़ आई ब्रॉट इट हियर गाइस, जस्ट टू राइट इट योर आंसर एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द साइबॉर्ग इज। तो अब मुझे लगता है कि यू गाइस विल हैव अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द साइबॉर्ग हियर, सो दिस एंटायर थिंग अबाउट द साइबॉर्ग एंड यू विल लिटरली एंजॉय इन दिस ऑल द केसेस। ये फ्री टेस्ट सीरीज हैं जो UPSC CSE के लिए आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। ये मेरा कोर्स है जो साइंस एंड टेक का और एनवायरमेंट का लॉन्च हो चुका है, और 21st यानी आज से 21st दिसंबर से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एंड यू विल कनेक्ट विथ मी ऑन द 12 PM। ओके, और फ्रॉम द बिगनिंग और कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको बेसिक से उठाऊँ, ओके, बेसिक से लेकर एडवांस तक जाऊँ, और उसके साथ कोई करेंट अफेयर्स है तो उसे जोड़ दूँ, यानी आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाता है। तो अब आप जो मुझे इतना प्यार आपने दिया पिछले 20 सालों में, ओके, फेस टू फेस में, अब मैं आपके साथ जुड़ रहे लाइव क्लासेस में आ चुका हूँ, सो मुझे इनरोल करें अगर आप लिटरली मुझ पर भरोसा करते हैं, और ये मेरा पासकोड है, आप इस पर जुड़ जाइए, और यू टेक योर कंसेशंस फीस में जो आपको रिबेट मिलता है। ये UPSC के कोर्सेज हैं जो लॉन्च हो चुके हैं, दैट द वन इज गुरुकुल NCERT वाला बैच, ओके, बेसिक्स वाला, सेकेंड आप कंप्रीहेंसिव बैचेस ले सकते हैं फॉर स्टडीज 2022 एंड 2023। इवन आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अनअकैडमी देता है, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इवन आई पर्सनली सजेस्ट एवरीवन फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फ़ायदा क्या होता है, लाइव मेंटरिंग होती है, और एक बंदा आपको मिल जाता है, एक शख्स आपको मिल जाता है जो आपकी केयर करता है, आपकी रिस्पॉन्स देता है क्वेश्चन आंसर सेशन में, एक एजुकेटर होता है, ओपन हाउसेज जो आपको कनेक्ट होता है, लोन फैसिलिटीज भी है अगर यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस एक्सेस ऑफ कोर्सेज रिगार्डिंग एनी फाइनेंशियल क्रंच, 0% EMIs। ये प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके अलग अलग प्राइस रेट्स हैं। ये मेरा पासकोड है रवि UPSC, एनी ऑफ द कोर्सेज यू लॉन्च द 10% रिबेट विद रवि UPSC पासकोड, यू कैन यूज इट। ये 10% डिस्काउंट्स है अगर आप जनरल स्टडीज में भी जाते हैं, तो हियर भी इन दिस कोड यू कैन गेट अ बेनिफिट, जनरल स्टडीज के बाद ऑप्शनल में भी जाते हैं तो यू कैन गेट इट। ये लास्ट में गाइस टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर यू कैन कनेक्ट विथ मी, रवि UPSC_Unacademy, एज अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com @RaviPA2010, एंड फॉर योर कंसेशन रवि UPSC इज अ पास कोड। लास्ट में जल्द जल्दी गाइस मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय।